top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. जो SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो वित्त मंत्रालय का कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक तंत्र होता है जो सीरियस फ्रॉड जो होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसमें यह पाया गया कि जो कंपनी का फ्रेमवर्क होता है, जो चार स्तंभ होते हैं कंपनी के, यानी कि कंपनीज एक्ट जो कंपनी का कानून होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का संविधान होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव देता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिससे कंपनी की बैलेंस शीट्स और लेखा जोखा तैयार किया जाता है, इन चारों के तमाम प्रोविजंस की बहुत सारी वायलेशन सामने आई SFIO भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है। और एक और चीज मैं आपके समक्ष इसी के संदर्भ में रखना चाहूंगा, जो व्यक्ति इस कंपनी का DDCA का ऑडिट करता था, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो कानूनी तौर पर तो इनकी खातों की जांच पड़ताल कर साल के एंड में उस पे हस्ताक्षर करकर कहता था कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ खुद इस बैलेंस शीट DDCA के फाइनेंशियल को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, केसेस चल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन चल रहा है दो जगह, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देता है, उसने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ इंडाइटिंग रिपोर्ट दी है, और साथ ही साथ मैं ये पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या कहा। उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन हैड बीन फाइल्ड अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और DDCA फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। बिसाइड्स द कंप्लेंट हैड बीन फाइल्ड अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो व्यक्ति आपको हर साल सही सर्टिफिकेट दे देता है, कह देता है कि नहीं जी आपके खातों में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, धांधलेबाजी नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है क्योंकि उसने गलत आपको सर्टिफिकेट दिया, तो भ्रष्टाचार और धांधलेबाजी तो यही साबित हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सूजी घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा, या तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सबूत दे रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी है सबूत जारी कर रही है सारे, जिससे साबित होता है कि अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ, आज हम डिमांड करते हैं मोदी जी से कि अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाएं। और दूसरी चीज, ये जो तमाम भ्रष्टाचार हुआ है इसमें कई भ्रष्टाचार फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी है, फाइनेंशियल इंप्रोप्राइटीज भी है, कहीं ना कहीं इसकी जांच का तंत्र माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के अंडर आता है, वे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, तो यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा होता है। यदि जेटली जी के ऊपर ही जांच बैठनी है, यदि जेटली जी की अध्यक्षता में जो DDCA 15 साल में जो भ्रष्टाचार चला उस पर जांच बैठनी है, तो जेटली जी की एजेंसियां कैसे उसकी जांच कर सकती है, यह जनता को बताया जाए।